हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आप देख लोग देख रहे हैं प्राउड फार्मर यूट्यूब चैनल। आज हम मिर्च के फसल में लगने वाले जो ब्लैक थ्रिप्स या वेस्टर्न थ्रिप्स से नाम से जो अभी बहुत जोर से चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो बीमारी है ज़्यादातर साउथ इंडिया में ज़्यादातर पहले देखा गया है, उसके बाद से जो है अब राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अब बहुत सारी जगहों में इसकी शिकायत देखा जा रहा है। जो ब्लैक थ्रिप्स रहता है उसको या तो फ्लावर थ्रिप्स भी कहते हैं या वेस्टर्न थ्रिप्स भी कहते हैं, जिसका अभी तक कोई मार्केट में उसका दवाई अभी तक कोई कंपनी नहीं बना पाई है। तो जानते हैं उसके रोकथाम के वाले हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फूल है, इस तरह से जो मिर्ची का फूल रहता है इसके जो है अंदर में इस प्रकार से ब्लैक थ्रिप्स जो है या वेस्टर्न थ्रिप्स है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद से जो है वो फूल को अटैक करता है, जिसके कारण से हमारे फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और हमारे मिर्च के फसल में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो इसके लिए अभी तक मार्केट में कोई जाकर दवाई नहीं बना है, तो सारे किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग के भी प्लाट में वेस्टर्न थ्रिप्स जो है ब्लैक थ्रिप्स देखा गया था, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे दवाई का छिड़काव किया, लेकिन हमको इसमें रिजल्ट जो मिला है उसके बारे में हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं हमारे मिर्च के प्लॉट में अभी कहीं भी कोई भी फूल में आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं कहीं फूल में है, बाकी हम लोग बहुत से जो फूल देखे जाए घूम घूम के उसमें हमको यहाँ तक की कोई शिकायत ऐसी नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे प्लॉट में एक पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। इसके लिए जो है हमने इसमें दो स्प्रे कंटिन्यू करवाए हैं, उसका मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। मिर्च में जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा से प्रोडक्शन लेने के लिए हमको ब्लैक थ्रिप्स से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मिर्च के प्लांट का भी कल तोड़ाई हो गया है, इसलिए अभी इसमें फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारा आज मेन मकसद हमको ब्लैक थ्रिप्स के बारे में बताना है, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। जो अभी मार्केट में गोदरेज कंपनी का ग्रासिया के नाम से दवाई जो लॉन्च किया है उसमें जो है ब्लैक थ्रिप्स का कंट्रोल थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, और साथ में जो है डाइपेंथरान जो कि प्रेगासस कंपनी का आता है, सेंटा कंपनी का प्रेगासस के नाम से आता है और अडामा कंपनी का आगास के नाम से आता है, उसको आप लोग जो है डाल सकते हैं। दोनों को मिला करके जो है स्प्रे करना है। इसका स्प्रे आप अच्छे से जनरेटर के माध्यम से आपके जो पावर स्प्रे पर होता है उसमें करिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। क्योंकि ये दवाई जो है कॉन्टैक्ट दवाई होती है, उसके कारण से हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज चाहिए रहता है। उसके दवाई के स्प्रे के बाद से हमारा रिजल्ट मिला है कि हमको कोई भी फूल अगर हम जाके देखते हैं तो हमको ब्लैक थ्रिप्स देखने को नहीं मिलता है। और कम से कम दो स्प्रे करिए, एक आप डाल सकते हैं फिप्रोनील और इमिडाक्लोरोफिट का एक स्प्रे डाल सकते हैं, और उसके दो दिन बाद जो है आप ग्रासिया और डाइपेंथान के स्प्रे कर सकते हैं, जिसके बाद से जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह से हमारे मिर्ची फ्लाट फिर पूरी तरह से जो है स्वस्थ हो गया है। आप देख सकते हैं ब्रांच बहुत सारा आ रहा है, अच्छे से ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, फूल आ रहा है। अभी क्या है दोपहर के टाइम में थोड़ा फूल कम दिखाई देता है, और इस तरह से ब्लैक थ्रिप्स के लिए समस्या हमने कंट्रोल किया है। इसके लिए और बहुत सारी दवाई हम लोग देख रहे हैं ट्राई कर करके, जो कि जो है अभी हमको इस दोनों दवाई से जो ग्रासिया और डाइपेंथोरान से हमको कंट्रोल मिला हुआ है, तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। ऐसे ही खैरी संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।